स्वभाव और प्रभाव। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाऊंगी। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग नदी नहीं। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी बोलते हैं, इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल बोल कर रहना चाहिए, इससे जीवन सरल हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी बोलते हैं, इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल के रहना चाहिए, इससे जीवन सरल हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल के रहना चाहिए, इससे जीवन सरल हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी बोलते हैं, इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल के बोल नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। नमस्कार, मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी बोलते हैं कि इस संसार में मेरा नाम है नाइसा और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाऊंगी। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी बोलते हैं कि इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल के बोल कर रहना चाहिए, इससे जीवन अच्छा हो जाता है। नमस्कार। ते हैं, इस संसार में अलग अलग स्वभाव और प्रभाव के लोग रहते हैं। सबसे हंस मिल के रहना चाहिए, इससे जीवन सरल हो जाता है। धन्यवाद।